हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसरो ने अपना फुल नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया, जिसके अंदर आपको जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहां पे टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिलेगा, ड्राफ्टमैन का वैकेंसी देखने को मिलेगा एंड यहां पे आपको फायरमैन का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहेंगे। सारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है, तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। सीबीटी एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब बात कर लेते हैं यहां पे कि कौन कौन सी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी, कौन से ट्रेड एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लेना, डिटेल में मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस समझा दूंगा। वहीं अगर आप एलिजिबल नहीं रहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो मोटिवेशन बना रहता है। यहाँ पे आपका लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस, आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना, और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं वो बता देना, क्योंकि जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं मेरे को पता चलेगा नहीं। इसीलिए कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं उसके बारे में बता देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही जॉब अपडेट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट ओपनिंग के अंदर आपको दिख जाएगा जो कि यहाँ पे आज इन्होंने पब्लिश किया है, और इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा 17 मार्च 2023 से, मतलब कि कल की डेट के अंदर ये अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल रहेगी, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल रहेंगे, सिविल ब्रांच वाले एलिजिबल रहेंगे। बाकी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्नीशियन का, फिटर वाले एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल रहेंगे, वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ड्राफ्टमैन सिविल का भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा कल की डेट के अंदर। अगर आपको अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। देखिए मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा है, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ लिंक दे रखा है, लाइक जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, ठीक है, और भी बहुत सारे लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आपको टॉप पे देखना है, वहाँ पे मैंने आपको दे रखा है अप्लाई लिंक, और उसी के नीचे आपको दे रखा है नोटिफिकेशन का लिंक। तो अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 27 तारीख से ये इसका जो अप्लाई वाला लिंक है वो एक्टिवेट होगा, मतलब कि कल की डेट के अंदर। अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा इसरो की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगिरी का, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है, और ये जो नोटिफिकेशन है आज अभी ही जारी किया गया है, 26 मार्च 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ। पूरा का पूरा चार्ट मेंशन किया गया है, आपका पोस्ट कोड क्या रहेगा, कौन सी यहाँ पे आपकी पोजीशन रहेगी, वैकेंसी का डिटेल के बारे में बता दिया गया है, लाइक यूआर के लिए कितनी वैकेंसी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और टोटल वैकेंसी कितनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। अब यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पहली वैकेंसी देखने को मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला गया है, ये वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलेगा, जेई के पदों पे ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 का यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 41,000 रुपये से लेकर 1,40,000 तक आपका सैलरी रहेगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे 15, अगर आपने 60% के साथ, मतलब कि आपके 60% होने जरूरी है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, किसी में भी आते हो, 60% आपके होने जरूरी है। कौन सी ब्रांच के अंदर, मैकेनिकल के अंदर या फिर प्रोडक्शन के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे अगर आपके 60% है डिप्लोमा के अंदर, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर,
या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए, तो आपके 60% होने जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट क्लास से मतलब कि 60% के साथ इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे डिप्लोमा किया है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी CSIT वालों के लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा सिविल वालों के लिए, तो अगर आपने 60% के साथ डिप्लोमा किया सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टेक्नीशियन का, जिसके अंदर IT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने IT कर रखा है फिटर के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया, तो अगर आप पास हो चुके हैं IT कर चुके हैं, आप इसके लिए बड़े आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए सैलरी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी निकाला गया वेल्डर के लिए, तो अगर आपने ITI किया वेल्डर के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा रेफ्रिजरेशन एंड AC के अंदर, आपने यहाँ पे ITI कर रखा है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन के लिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा प्लम्बर के लिए, तो आपने ITI कर रखा है प्लम्बर के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन का वैकेंसी देखने को मिलेगा सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपने ITI कर रखा है ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर का, और यहाँ पे लाइट व्हीकल ड्राइवर का, जिसके अंदर अगर आप 10वीं पास है और आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फायरमैन का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप 10वीं पास है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। अब बात की जाए यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में, तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा 24 अप्रैल 2023, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे इसका जो पोस्ट कोड रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है, तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा फायरमैन का यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। मेल का और फीमेल का दोनों का यहाँ पे दे रखा है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपका एज लिमिट क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एज लिमिट रहेगा मिनिमम 18 साल का देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो 35 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और यहाँ पे AEE+ कैंडिडेट के लिए ये एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे फायरमैन के लिए, तो आप 25 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरल और AEE+ के लिए रखा गया है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, SST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का, OBC कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए सैलरी आपका क्या रहने वाला है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो आपका सैलरी रहेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये तक आपका सैलरी देखने को मिलेगा। परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए या फिर ड्राफ्टमैन के लिए, तो आपका सैलरी रहेगा लेवल 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका रहेगा 21,700 रुपये से लेके लगभग 70,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी देखने को मिलेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फायरमैन के लिए, या फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, या फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, तो आपका लेवल 2 का सैलरी रहेगा 20,000 रुपये से लेके लगभग 63,200 रुपये तक आपका सैलरी देखने को मिलेगा। प्लस TA/DA अलाउंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। साथ ही साथ बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, देखिए यहाँ पे जानना जरूरी है कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए, या फिर ड्राफ्टमैन के लिए, तो इन तीनों पोजीशन के लिए जिसके अंदर IT एलिजिबल है और यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे करिकुलम बेस्ड होगा, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए या फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, तो इसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्राइविंग की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फायरमैन के लिए, तो आपके यहाँ पे जो फायरमैन के लिए रिटन एग्जाम होगा, प्लस आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखने को मिलेगा, प्लस आपका मेडिकल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। ऊपर दो पोजीशन है, इसके अंदर मेडिकल एग्जाम नहीं होगा, बस इस लास्ट पोजीशन के अंदर आपका मेडिकल एग्जाम देखने को
मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फायरमैन के लिए तो फायरमैन का पूरा सिलेबस यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए या फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए तो इसका जो सिलेबस इन्होंने अच्छे से दे रखा है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राफ्टमैन के लिए तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे टेक्निकल आपका जो असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, फायरमैन के लिए या फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए या फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए तो आपको 500 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे AWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे ये पे करना पड़ेगा, या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे ये सारा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना, आपके लिए ये फॉर्म फ्री का रहेगा, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कल की तारीख के अंदर और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 24 अप्रैल 2023। तो अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको टोटली इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही जॉब देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।